हेलो एवरीवन, मैं शशिभूषण पांडे। वेलकम टू वर्चुअल ट्यूटोरियल अगेन। समय नज़दीक आ रहा है, आशा है आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। आज हम फिर आए हैं ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड सम्स, क्वेश्चन नंबर 21 लेकर के। आइए देखते हैं कैसे इसे बनाते हैं। एक नदी के किनारे के साथ, ये मान लीजिए नदी है, एक नदी के किनारे के साथ लंबवत रूप में एक पुल है। हम मान लिए कि ये आपका पुल है। पुल के एक किनारे के सिरे से नदी के किनारे सीधे जाने पर दूसरे सिरे को 45 डिग्री के कोण पे, यदि हम यहाँ से सीधा जाते हैं, ये आपका आ गया 45 डिग्री के कोण पर देखा जाता है, किनारे के साथ और 400 मीटर मान लिया हम, ये 400 मीटर और आगे जाते हैं, दूर जाने पर वही सिरा 30 डिग्री के कोण पर देखा जाता है। इसी सिरे को हम देख रहे हैं कि ये 30 डिग्री के कोण पे है। तो पुल की लंबाई ज्ञात करें, ये नदी की चौड़ाई है और ये पुल की लंबाई आप देख सकते हैं। नदी के चौड़ाई के ऊपर ही पुल होगा लंबवत, इसलिए पुल की लंबाई भी ये भी होगा। माना कि पुल की लंबाई 1 बी है। हम देख रहे हैं इसमें हमें दो समकोण त्रिभुज मिला, एक ABC और एक ABD। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं समकोण त्रिभुज ABC से AB इक्वल टू x मीटर जो हमने मान लिया है। इस AB को हमने मान लिया कि ये x मीटर है। BC इसे हमने मान लिया कि ये y मीटर है, इक्वल टू y मीटर इसे भी हमने माना। एंगल ACB, कोण ACB, एंगल ACB इक्वल टू, इसे हमेशा मिडिल में रखेंगे, 45 डिग्री। तो हम इसकी तुलना करते हैं AB और BC, तो लंब बटा आधार, इसे हमें tan थीटा मिलता है, मीन्स tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री इक्वल टू AB by BC। और tan 45 का वैल्यू 1 होता है, हमें पता है, 1/1 कर देंगे इसे हम। ए भी हमने माना है x और BC हो गया y। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें, x इक्वल टू y डॉट 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 इक्वेशन 1। पुनः समकोण त्रिभुज ABD
से हम देखते हैं AB इक्वल टू एक्स मीटर जो हमने माना था, BD इक्वल टू BC प्लस CD, BC y प्लस 400 इक्वल टू x प्लस 400 मीटर। समीकरण एक से, अभी अभी हमने समीकरण एक निकाला है जिससे x इक्वल टू y, इसलिए हम इस y के जगह पे x रख सकते हैं। एंगल ADB इक्वल टू हम देख रहे हैं 30 डिग्री, लंब बटा आधार यानी tan 30 डिग्री, therefore tan 30 डिग्री इक्वल टू AB बाई BD। हमें पता है tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। AB का हम अभी देख रहे हैं x और BD का x प्लस 400 और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यदि कर दें हम तो x √3 इक्वल टू x प्लस 400 और x √3, इस x को इस साइड लाएंगे साइन माइनस हो जाएगा इसका, यहाँ बच जाएगा 400। अब x कॉमन लेंगे हम तो यहाँ बच गया √3 माइनस, जब सारा का सारा कॉमन लेते हैं वहाँ 1 बच जाता है, इक्वल टू 400। और x को यदि हम अकेला करते हैं तो 400 बाई ये √3 माइनस 1 नीचे चला जाता है आपका, और x इक्वल टू 400। अब इसे हम रेशनलाइज कर देंगे अर्थात इस हर का परिमेयीकरण करेंगे, तो इसके लिए √3 - 1 इसको हम √3 + 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर भी हमें √3 + 1 से मल्टीप्लाई करना होगा और फिर हम देख रहे हैं x इक्वल टू 400 √3 + 1 और √3 - 1 √3 + 1 आइडेंटिटी अगर यूज करें हम तो a - b a + b मीन्स a² - b² तो हम लिख सकते हैं √3² - 1² नेक्स्ट स्टेप x इक्वल टू 400 √3 + 1 अब ये हो जाएगा आपका √3² मीन्स 3 and 1 और x इक्वल टू 400 √3 + 1 2, इससे हम कैंसिल कर देंगे 200 और x इक्वल टू 200 √3 + 1 तो इसलिए पुल की लंबाई इक्वल टू 200 √3 + 1 मीटर आंसर।